बात नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा गोल मुझे अचीव करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मुझे एजुकेशन कंप्लीट करनी थी बट आई एम ऑल ऑफ अ सडन आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। एजुकेशन हासिल करने के बाद क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, आपके पास खुद एतमादी आती है, आपके पास नॉलेज भी आती है, बहुत सारी और चीजें भी आती है। बट कहती है आई एम ऑलरेडी फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग एज इफ आई हैव द पावर। तो वो पावर कहती मैं जो शायद इंटर करने के बाद या वो बिकॉज शी जस्ट डिड हर मैट्रिक, इंटर करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद आती वो मुझे अभी से फील हो रही है जो मैं चाहती थी फील करना। यही तो होता है, जो लोग तकदीर को तदबीर से बदलते हैं ना उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस मौजूद होता है, मौजूद होता है, तभी कमाल है। अच्छा मुझे बात बताएं तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल वर्ड में जो मैं समझी हूँ आप मुझे बता दें, पता नहीं मैं गलत समझी हूँ कि सही, कि फॉर एग्जांपल किसी शख्स के साथ कोई मिसहैप होता है, एनी एक्स वाई जेड ऑफ मिसहैप जिसमें उसका कोई हाथ नहीं, बस हो गया ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ को क्रॉस कर वो गिर गया, छत गिर गई और उसकी कोई कोई भी जिस्म का हिस्सा जिसे डिसेबल हो गया वो, अब या तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, अब वो ऑप्शन तकदीर नहीं है, ये होना तकदीर थी। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो घर में बैठ के रोता रहे ठीक है ये एक ऑप्शन है जो उसकी तकदीर होगी, या तो वो ये करे कि वो उठे और अपनी डिसेबिलिटी को पीछे छोड़े, अपने अंदर एक और क्वालिटी ढूंढे और उसको पॉलिश करके उस पर काम करे। इज इट आई थिंक सिंपली हम यही बात करेंगे कि यही चीज है मगर ये लोग कर क्यों नहीं पाते। हाँ ये कर क्यों, अब हमें पहले तो तदबीर को समझ, मैंने कहा सबसे तदबीर का सबसे अहम एलिमेंट जो है वो दुआ है। दुआ और दुआ कैसी, देखिए मुंह से सिर्फ अदा होने वाले अल्फाज मैसेज तो होते हैं, पैगाम तो होते हैं, कम्युनिकेशन तो होते हैं, दुआ नहीं होती। दुआ नहीं होते, दुआ में इंसान का कल्ब शामिल होना चाहिए, उसके जज्बात शामिल होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जिससे वो मांग रहा है वो दे सकता है और वो देगा। तो लेवल ऑफ सर्टेनिटी बिकम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन तदबीर। सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन तदबीर। सर्टेनिटी के बारे में कहना कि एक, एक, एक बताया था ना कि एक जगह बारिश नहीं हो रही थी तो वो छतरी वाली, छतरी वाली स्टोरी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मिसेस हुमायूं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन से शहर से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूं। लाहौर से बात कर रही हैं तो आप तो वाउचर ले गई, आप कल फिर हम कराच से मिल रहे हैं। ठीक है बिल्कुल, मैं आपका सारा प्रोग्राम हर वक्त देखती हूँ जब भी होता है और बहुत ही मैं से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। चले आप तक प्रोग्राम देख के आए थे, कल आप लाइव देख लीजिएगा जी। तो कल इंशाल्लाह आप वाउचर्स का क्या वाउचर बस अभी आप जब कॉल आप रखेंगे तो आप वो कंट्रोल रूम में उनको बता देंगे कि जी नेचुरली वो आपको बता देंगे कहाँ आना है। कल सनपोर्ट 6:30 बजे गुलबर्ग में पहुंच जाइएगा, वहां पर हमारा लेक्चर होगा एंड योर नेम विल बी विद अस सो यू कैन जस्ट कम इन। कोई वाउचर आपको फिजिकली नहीं मिलेगा बट आपका नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास आ गया, आप आके कल बता दीजिएगा एंड वील लेट यू गो इन। ठीक है अभी उनको आपके ऑफिस में बता दूं कि मेरा नोट कर। हाँ अभी बस आप बता दीजिएगा। ठीक है थैंक यू सो मच। तकदीर का जो आपने कहा था जवाब देना छोटा सा, तो वो क्या कि गांव वालों ने तकदीर की लड़की को हटा दिया लेकिन जो तकदीर मौत की अटल थी वो भी आ गई, इसमें दोनों चीजें आ रही है। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। ये वो आखिरी जो मैंने, शी इज फॉलोइंग इट वेरी गुड एंड एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आंसर दे कैन गिव अस अ कॉल एंड आंसर। में मैंने जो सुनाया था उसमें बड़ा अच्छा है कि मौत तकदीर थी मगर उन तमाम लोगों की तकदीर जो थी वो एक लड़की की वजह से रुकी हुई थी। अगेन यू सी समबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी, तो इसका मतलब इफ डेस्टिनी कैन बी चेंज देन इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड। तो इफ समबडी कैन चेंज योर डेस्टिनी, भाई ऐसे कई ऐसे मिसाल है। ये तो स्टोरी में समझ गई बट आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब हमारे मुल्क में थोड़े अरसे पहले एक एयर ब्लू का हादसा हुआ, बहुत बुरा रहा। उसमें आपको पता ना कि कुछ ऐसे लोग थे, मुझे नाम याद नहीं, कि जिन्होंने टिकटें ले ली थी किसी वजह से नहीं जा पाए राइट, सो दे वर नॉट सपोज टू डाई। रिमेम्बर वो जो हमें वैसे बता रहा था कि जी कोई एक फैमिली थी जो पीआईए में जाना था जिसने, बट ड्यू टू के भाई वो कोई पता नहीं, आई डोंट नो, फादर वेंट इनटू पीआईए, द होल फैमिली वेंट इनटू एयर ब्लू राइट, और दो फादर कुड गेट द फादर लॉस्ट द इंटायर फैमिली, इंटायर फैमिली विद किड्स एंड मदर एंड एवरीथिंग। सो अगेन यू आर राइट। अब तकदीर में एक तो यकीन कामिल, ठीक है, उसको यकीन मौकम कहते हैं, यकीन कामिल है। हाँ। हम कंफ्यूज ना करें यकीन का वो दर्जा। हाँ। कि जैसे मैं इस वक्त सांस ले रहा हूं। हाँ। मुझे यकीन है कि मैं सांस ले रहा हूं बिकॉज मैं अपनी सांस को फील कर फील सकता हूं। ठीक है। सांस लेना मेरे इख्तियार में है और जब तक ये इख्तियार में यकीन मेरे पास है तो सर्टेनिटी उसको कहते हैं। ठीक है राइट। सर्टेनिटी सिर्फ एक नजरिया नहीं है, एक सोच नहीं है, सर्टेनिटी के साथ सेंसेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आप महसूस कर सकते हैं सर्टेनिटी को, ऐसी फीलिंग है। तो एक दुआ,
एक दुआ विद सर्टेनिटी, दुआ विद सर्टेनिटी एक हमारे साथ कॉलर है। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिसेस फैसल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस फैसल कैसी हैं आप? सारे लाहौर लाहौर जीत गए जी। जी आई एम लकी टू बी एबल टू टॉक टू यू और टू गेट द वाउचर। अब देखें आपने अपनी तकदीर, अपनी तकदीर से चेंज कर ली बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ एफर्ट के सिलसिले में कि आई वॉज ट्राइंग सिंस लॉन्ग टू कॉल यू और अल्लाह मियाँ ने हेल्प अवॉर्डेड मी फॉर माई एफर्ट। तो अल्लाह मियाँ एफर्ट जाहिरे आपको जरूर करनी चाहिए तो फिर ही आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। देखिए आपको रिवॉर्ड मिला, कल आप हमसे आके मिलेंगे सनफोर्ट के अंदर एंड नेचुरली जो जिस शख्स को आप टीवी पे देखती आई हैं, जिसको लोग कहते हैं जी एक्सपर्ट है माइंड साइंसेस के, कल आप आकर उनसे अपनी बातें भी डिस्कस कर सकती हैं। एंड दिस वन मोर थिंग, मेरी बेटी भी है, शी इज 23, आई वुड लाइक टू ब्रिंग हर अलॉन्ग विद मी इफ पॉसिबल के दो वर्ष। और मैंने रीकी का फर्स्ट लेवल किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ। चले ठीक है, कल आप आएंगी, वो बाकी रीकी शिकी की तो बातें होती रहेंगी, बट आप और आपकी 23 ईयर्स ओल्ड की जो बेटी है वो दोनों कल हमारे पास इन्वाइटेड है, तो डू कम। थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम्हें पता है मैंने पिछले कॉलर इस कॉलर के थ्रू, ये जो टीनेजर और यंगस्टर है ना, मेरा मेहवर है, मैं इनको कुछ बनाना चाहता हूँ। पॉसिबिलिटी, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वैसे आज लाहौर ने अपनी तकदीर चेंज कर दी, कॉल करके अपनी क्या तदबीर, आप लोग क्या लगे हुए। अब दुआ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, दुआ में बहुत ताकत है, दुआ तकदीरों को बदलती है सर्टिनिटी के साथ। अब स्टेप्स क्या लेने, और स्टेप्स क्या लेने, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं कि जिंदगी में मैं महरूमी मेरे पास है, और वो इसलिए कि मैं गरीब घर में मिसाल के तौर पर पैदा हुआ, या मेरे में कोई सलाहियत नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार तू मुझे सलाहियत दे सकता है और तू मुझे सलाहियत देगा, इस यकीन के साथ दुआ करूंगा देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे घर में बैठना नहीं है, मुझे अब कोशिश करनी है। अब कोशिश में बहुत सारी चीजें आती है, तदबीर में प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, हाउ डू यू प्लान थिंग, ऑब्जर्वेशन अगेन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। कुरान ये कहता है कि तीन तरीके से इल्म हासिल होता है, एक किसी किताब से ठीक से, दूसरा किसी शख्स से आप सुनते हो, चाहे वो आलिम हो या कोई मौलवी हो या कोई स्कॉलर हो या कोई टीचर हो, ठीक है। तीसरा डायरेक्ट परसेप्शन, यानी आपकी आंख ने देखा, आपने देखा, आपने सुना, डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं। कहा यह जाता है कि इन तीनों में डायरेक्ट परसेप्शन सबसे ज्यादा मुस्तनिद होता है। वजह इसकी है कि जब कोई शख्स आपको बताता है तो उसके अपने नजरियात भी शामिल हो जाते हैं उसमें। मैं मिसाल दूं तुम्हें, लेट्स सी, तुम नियाग्रा फॉल्स गई, तुमने नियाग्रा फॉल्स देखा, और नियाग्रा फॉल्स देखने के बाद तुमने मुझे कहा कि बाबा नियाग्रा फॉल्स देख कर मुझे अल्लाह याद आ गया, कुदरत देखें इसकी, इस तरह पानी गिरता, इतनी शोर होती है, ठीक है। अब तुमने जितना भी बयान किया, मैं जाके देखूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। तो इसी तरह ना कि नियाग्रा फॉल्स में देख रहे, तो जो मैंने चीजें देखना चाहिए, फील करना चाहिए, तो जो मेरे जिंदगी में इनसिक्योरिटी थी, कमी थी, तो वो वहां मैंने फुलफिल किया, वो चीजों को देखा बिल्कुल। और मैं देखूंगा तो शायद, चूंकि मैं तुमसे डिफरेंट हूं, तो शायद मेरे देखने का तरीका डिफरेंट हो, सोच डिफरेंट हो, मेरी फीलिंग डिफरेंट होगी, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो डायरेक्ट परसेप्शन में क्या होता है कि जो मुशाहदे में आपके आती है चीज, वो दूसरे के नहीं आ सकती। अरे इसको इस तरह भी लेंगे कि हमने वो अगेन आपने थॉट बिकम थिंग्स वाली बात की थी, और एक आस्क आंसर एंड रिसीव सर्टेनिटी, कि आप दुआ मांगे, आस्क करें, सिर्फ बोलना है आपने, मांगे आंसर आएगा, सर्टेनिटी आएगा इस सर्टेनिटी से, लेकिन रिसीविंग एंड दैट इज तदबीर, कि आप तैयार रहे, तैयार मिले तो सही, झोली खाली, झोली में सुराख ना हो, ठीक है, बर्तन बड़ा होना चाहिए, वक्त पे आ रहा है। मिसाल के तौर पे कराची में बारिश है और आप लाहौर में बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं है। तो जहां आएगा वहां आपको मौजूद होना भी जरूरी है। और इसके अंदर रिसीविंग पार्टनर से आपने कहा रिस्क, आप यानी कि आप बैठे ना घर पे, आप जाए आगे, हो सकता है आपको अपनी जॉब स्विच करनी पड़े, हो सकता है किसी नए चीज में जाना पड़े, तो गो अहेड, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे, लेकिन हो सकता है आप कामयाब भी हो जाए। हमारे नाज़रीन से कहें कि एक डॉक्यूमेंट्री आई, मैंने तो बरसों से सिखा रहा हूं, उसको कोई मानता नहीं था, अंग्रेजों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो अब लोग समझने लगे कि फोर्थ डायमेंशन और क्या है, द सीक्रेट नाम से, और वो अब उर्दू में भी सब टाइटल उसका आ रहा है, प्लीज वो डॉक्यूमेंट्री देखें, मेरी गुजारिश है, उसकी डीवीडी मिलती है, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ मूवी। उससे आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो उरूज ने कहा तीन स्टेप स्टेजेस में बताए, आस्क कंसर्न रिसीव, वो समझ में आएंगे। हमारे दीन ने ये बहुत पहले हमें बता दिया,
और आप 35 सालों से मतलब मैंने देखा है, मैं बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि हम ये चीजें सीखते आ रहे हैं, और जब डॉक्यूमेंट रही तो मैंने कहा यार ये तो हम 4D में ऑलरेडी कर रहे थे, तो मैंने कहा बस चले हर डॉक्यूमेंट हमसे पहले उन्होंने बना ली, तो की फर्क पड़ रहा है। हमारे साथ दिनेश आरिफ है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिनेश आरिफ बात कर रही हूँ। कौन से शहर से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी कही है, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता सकती हूँ? क्यों नहीं, शॉर्ट बताइएगा। बहुत शॉर्ट बताती हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। नहीं नहीं, मेरे बेटे की उम्र है 9 से 10 साल के दरमियान, 9 प्लस। वो बचपन से ही बहुत हाइपर था, नॉटी था, लेकिन इंटेलिजेंट है। मुझे अब वो बचपन से उसने किसी ना किसी फेज में तंग करा है। अब वो पढ़ाई की जो एज आ रही है उसको हर चीज पता है कि व्हाट आर द गुड डीड्स, व्हाट आर द बैड डीड्स, सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है पढ़ाई में ना किसी चीज में भी, लॉन्ग स्पैन नहीं है। वो मुझे हर चीज में तंग करता है कि जैसे मैं उससे ये कहती हूँ अगर तुम्हें खेलना है तो तुम 5 घंटे खेलो या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 2 घंटे पढ़ने के हों, उसका ध्यान ही नहीं लगता। फिर अभी समझ रहे आप? ठीक है। अच्छा, मेरा एक फेवर, अगर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं 4D की क्लास करवाऊँ, लेकिन मेरा बहुत दिल है कि मैं क्लास करवा दूँ। अगर आपको सहूलत है और आप अगर मुझे फेवर दे सकते हैं तो मुझे, अब आपकी कराची में जो नेक्स्ट अपकमिंग हो तो मुझे या मेरे बेटे को आप उसको 4D की। चलिए वो देखते हैं कि जब हमारे वाउचर्स अवेलेबल होंगे आप LTE पे कॉल करते हैं, इंट्रो लेक्चर में आपको बुला सकते हैं, बाकी जब वर्कशॉप के वाउचर अवेलेबल होंगे तो बेटे के लिए ज्यादा वर्क रहेगी तो वो अभी आपके बेटे की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, और फिर अगर हम देखते हैं हम क्या चीज रेकमेंड करते हैं। आपके बेटे की एज 9 साल है, 9 ईयर्स स्लाइटली अर्ली, और उसके अलावा वो हाइपर भी है, तो हाइपर बच्चा पूरे दिन की क्लास में नहीं बैठता, तो हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अभी यू प्लीज लिसन टू द आंसर ऑन एयर, ठीक है? पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि बच्चा हाइपर है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत कम है, तो द फर्स्ट एडवाइस इज बच्चे को ले जाकर एक साइकोलॉजिस्ट से पहले साइको एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू डिटर्मिन के बच्चा ADHD या ADD ना हो, अटेंशन डिफेक्शन डिसऑर्डर या अटेंशन हाइपर डिसऑर्डर, पहले तो ये डिटरमिन कर लें। अगर ये डिटरमिन करते हैं और अगर साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट को रेफर करता है और साइकाइट्रिस्ट समझता है कि उसको थोड़ी सी दवाई देने से बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इंप्रूव हो जाएगी और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कोई मुजायका नहीं है। पहली तो चीज है कि दवाई अगर जरूरत है तो देनी चाहिए, देनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स देते हैं। बिल्कुल, और उसके अलावा ये भी है कि दिस एनालिसिस इज जस्ट लाइक अ ब्लड टेस्ट, जिसमें ब्लड नहीं ड्रॉ किया जाता आपका, बट उसमें बता दिया जाता है कि बच्चे के किस चीज में इंटरेस्ट है किस चीज में नहीं है। हो सकता है आपका आपका साइकोलॉजिस्ट ये बता दे कि उसको रीडिंग में इशू है या लर्निंग में इशू है, ही इज गुड विद ड्रॉइंग्स और स्पोर्ट्स। बात चीजें ये भी, फिर उसका IQ भी होता है, ये भी होता है कि बच्चे के स्ट्रेंथ के एरियाज क्या है, वीकनेसेस क्या है। बच्चा अगर ये टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली अटेंशन मांग रहा है वगैरह वगैरह। और कितने भाई बहन है आगे पीछे, पूरी फैमिली का होता है, फिर वालदा कितनी अटेंशन दे रही है, वालिद कितनी अटेंशन दे रहे हैं, तो एक बच्चे की तरबियत में और उसके एटीट्यूड में सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आपको इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइको एनालिसिस करें, वो आपको बताएगा आखिर कमी क्या है। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो डॉक्टर मोइस को ईमेल एड्रेस शो होगा इनका, इनको रिपोर्ट ईमेल कर सकते हैं, ईमेल फोटोकॉपी आप रिपोर्ट की फोटोकॉपी आप इन्हें ईमेल कर दे स्कैन करके, देन व्हाट ही डू इट ही कैन एडवाइज यू दी बेस्ट, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे बात है कि ठीक है कि अच्छा मुझे बता, अक्सर लोग नहीं कहते यार फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू डू समथिंग या कोई उन्होंने शर्त लगा ली, उससे क्या ताल्लुक है तकदीर का और तकदीर का शर्त? देखें, शर्त कुछ चीजें ये देखें, जितनी कॉन्सेप्ट किस्मत का है ये बेसिकली आया है और जगहों से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है आवागमन का, बर्थ एंड रीबर्थ का, किस्मत और तकदीर का कॉन्सेप्ट वहां से ज्यादा आया है, ठीक है? इस्लाम ने तकदीर को बिल्कुल डिफरेंटली डिफाइन किया है। वहां से ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इस जिंदगी में अगर आप पे मुश्किल आते हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, आपकी बीवी तंग करती है, शौहर तंग करता है, सास मारती है, बॉस बहुत बुरा मिला है, तो सब्र करो, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कोई गुनाह किए हैं जिसका बदला अनलेफ्ट बिजनेस कहते हैं उसको, ठीक है? वो कैरी ऑन फॉरवर्ड हुआ है, तो अब आप इस जन्म के अंदर अच्छे पुण्य करो, यानी अच्छे काम करो, तो अगला जन्म जब आप आएगा तो आपका बेहतर होगा, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है कि एक्सेप्ट वेर एवर यू आर, वट एवर यू आर, डोंट मेक एन एफर्ट, वाई? बिकॉज इट इज फिक्स्ड लिंक टू द पास्ट जन्म, ये है किस्मत। डोंट यू थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लॉ, मतलब वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट? भाई पीपल डोंट डू इट। अब जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम वालों ने भी बड़ा यूज किया ना, ब्राह्मण ने इसको बड़ा यूज किया कि जी अगर आप जो लोअर कास्ट है उनकी, उनको कहा कि जी अब तुम हमारी खिदमत करो और तुम ना करीब आ सकते हो, तुम इस जगह नहीं कर सकते, तुम्हारे बर्तन अछूत, हाँ बर्तन में नहीं, ये वो, मतलब उनको बिल्कुल डिफरेंट रखा है, सारे गंदे काम, डर्टी काम वो लोग करते हैं, तो उनको कहा कि देखो अब तुम
जब हमारी खिदमत करोगे और फिर तुम्हारी बर्थ होती जाएगी इवेंचुअली, तुम्हारे पिछले दिनों के गुनाह साफ होंगे। बस तो ये किस्मत जो है मेरी खराबी कॉन्सेप्ट वहां से आया। सही, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर।